माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कई बार बच्चे अपने माँ बाप के बलिदान को भूल जाते हैं और बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ आगरा के बुजुर्ग गणेश शंकर पांडे के साथ हुआ है। गणेश शंकर की उम्र 88 साल है, उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जिलाधिकारी यानी DM के नाम कर दी है। उनकी संपत्ति की कीमत लगभग 3 करोड़ बताई जा रही है। साल 1983 में गणेश शंकर ने अपने 3 भाइयों यानी नरेश शंकर, रघुनाथ और अजय शंकर पांडे के साथ मिलकर आगरा के छत्ता इलाके में एक आलीशान घर बनवाया था। वक्त गुजरा और चारों भाई अलग हो गए। घर का बंटवारा हुआ और गणेश शंकर के हिस्से 1/4 यानी कि 250 गज जमीन आई। आज इस 250 गज जमीन पर बने गणेश शंकर के मकान की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। उन्होंने इसी मकान को जिलाधिकारी के नाम कर दिया है। आज तक के रिपोर्टर अरविंद शर्मा के मुताबिक गणेश शंकर पांडे ने बताया कि उनके 3 बेटे हैं। एक बेटा दिमागी रूप से कमजोर है, वो कुछ काम नहीं करता। बाकी दोनों बेटों ने उनका ध्यान नहीं रखा। 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें अपने 3 भाइयों पर आश्रित होना पड़ रहा है। जब उनके बेटों को समझाया गया तो बेटों ने उनसे नाता तोड़ लिया। गणेश शंकर आगे कहते हैं कि उन्हें अपने बेटों की यह हरकत नागवार गुजरी और इसलिए उन्होंने 2018 में ही अपनी सारी संपत्ति जिला अधिकारी के नाम करने का फैसला किया। गणेश शंकर के मुताबिक उन्होंने हाल ही में जनता दर्शन में पहुंचकर खुद अपनी वसीयत के दस्तावेज सिटी मजिस्ट्रेट प्रतिपाल चौहान को सौंपे। प्रॉपर्टी आपने जिलाधिकारी के नाम किया है, कितनी जब कितनी कीमत होगी? हाँ, 2 करोड़ तो समझ ही लीजिए। कारण क्या रहा, मुख्य कारण जिलाधिकारी देने का कारण क्या रहा? इसके कारण ये रहा कि प्रॉपर्टी उसके पास है तो कुछ कह नहीं रहे हैं और वो कोई ना कोई बात वैसी रखता है। उसने ही कह दिया था, मैंने एक दिन गुस्से में कह दिया उससे। किससे? अपने बेटे से? हाँ, वो यहाँ रह रहा है, हमारे बीच में सब बात हो रही, मुकदमेबाजी शुरू कर दी उसने। अपनी तरफ नहीं करता रहा कुछ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मेरे भाई जो तुमने क्या किया भैया, अब बोलता तो हूँ, ऐसी बात तो बतानी पड़ेंगे। ये तुमने क्या किया भैया, ये तो बड़ी ख़राब बात है। तो भैया मैं भी ये कर रहा था, सारे दिन मुझसे ये कहेगा नहीं पापा गलती हो गई और आप ऐसा मत सोचिए। गणेश शंकर के इस फैसले पर आगरा के सिटी मजिस्ट्रेट प्रतिपाल चौहान ने बताया कि उन्हें वसीयत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा, कल जनता दर्शन में एक निराला नगर पीपल मंडी के रहने वाले श्री गणेश शंकर, उनके पिता का नाम स्वर्गीय उमा शंकर जी हैं, तो उनके द्वारा एक रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत की गई है जिसमें जिलाधिकारी के नाम उन्होंने वसीयत की हुई है। उनकी जो संपत्ति है पीपल मंडी में है, उनकी संपत्ति उसका 1/4 भाग जो उनके हिस्से में आती है उसको टोटल उन्होंने जिलाधिकारी के नाम रजिस्टर्ड वसीयत करके हम लोग को सुपुर्द किया है। उनका कहना था कि उनके परिवार में जो बच्चे हैं या जो उनके परिवार के मेंबर हैं उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं और उनकी उपेक्षा की जा रही है, उसी के कारण उन्हीं से खिन्न होके उनके द्वारा ये वसीयत रजिस्टर्ड जिलाधिकारी के नाम कराई गई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आयुष ने, शुक्रिया।